ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर प्रशासन का वक्त बोर्ड तकिए पर चला बुलडोजर। सहारनपुर SDM सदर ने स्थानीय थाना पुलिस के साथ वक्त बोर्ड तकिए पर कब्जाधारियों को दिए सख्त आदेश। SDM सदर ने 7 तारीख तक सभी लोगों को जगह खाली करने के दिए आदेश। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह संपत्ति उनके दादा पर दादाओं की है, जिन पर उन्हीं का हक है और उनके पास इसके कागजात भी मौजूद है, लेकिन प्रशासन भूमाभू माफियाओं के साथ मिलकर हमारी जगह को खाली कराने में लगा हुआ है, जबकि कोर्ट के आदेश भी हमारे पास है, फिर भी लेकिन प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है। मेरा नाम कामिल हुसैन है। ये 22/11/1907 से वक्त पर चली आ रही प्रॉपर्टी, एक गिरोह है, इन्होंने एक कमेटी बनवाई, फिर उसको हमने ख़त्म करा दी। सिविल कोर्ट में दिवालने में स्टे चल रहा, मुकदमे सारे जीत गए, हाई कोर्ट से स्टे है, हर जगह से स्टे है, ट्रिब्यूनल से भी स्टे है। 690 बना के लाए लेटर, ये अल्पसंख्यक अधिकारी आया, इनकी साथ करके साजबाज करके इनको हमने सारे कागज़ दिए, ADM साहब को कागज़ दिए, DM साहब को कागज़ दे गया, हमें परसों कॉपी इस SDM साहब को दी। इन्होंने कहा कि जांच करके अक्के दें इस पर मुझे। उन्होंने कहा कामिल तुम्हारे खिलाफ ही ज़्यादा बोला भरतलाल गौड़, कहने इससे तुम्हारी क्या रंजिश है। मैंने सर मेरी कोई रंजिश नहीं, कागज़ नहीं मानना मेरा, ये दूसरी पार्टी से मिला हुआ है, पैसा खा रहा है, इसमें साज करके इनके साथ माफियों के साथ जुड़ा हुआ है, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, पंजीकृत है थाना जनकपुरी में। ये बिल्कुल नहीं मानना और सारे कोर्ट से आदेश है। जो पुलिस फोर्स लेके इकबाल आ रहा था इंस्पेक्टर, वो उसने उसके खिलाफ स्टे हो गया। उस स्टे के बाद भी उस चीज़ों को नहीं मानना, कह रहा है कि हम मानते नहीं इन कागजों को। और ये प्रॉपर्टी हमारी दादी प्रॉपर्टी, अलाल औलाद बफ प्रॉपर्टी है, इसका कोई मालिक नहीं हमारे, हमारे पास इसके बैनामे है, बफनामे है 22/11/1907 का। कौन लोग हैं जो इस पर कब्जा करना चाहते हैं? एक सफीक है, एक नईम नक्शे नफीस है, समझदार का माफिया, उनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत है। गिरोह बंद आदमी है, 50 आदमी है कम से कम। पहले ईदगाह बेची, ईदगाह की दुकानें बेची, वो खा गए बेच के। ये बहुत बड़ा एक माफिया को गिरोह है, बहुत तगड़ा। अभी SDM सदर आए थे, क्या कह के गए हैं और क्या उनसे? उन्होंने ये कहा कि मैं 7 तारीख तक टाइम दे रहा हूँ, सारे पेपर्स मुझे दें, और हमने इनको पेपर दिए थे, अभी जुमेरात को मैं पेपर दे के आया था। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप उसको दे गए हैं दस्ती, अभी अल्पसंख्यक अधिकारी को हम दस्ती दे के कॉपी रिसीव करा के लेके आए, वहाँ मौके पर दे के आए। देने के बाद उसके बाद इन्होंने ये काम किया, उसकी कोई जाँच नहीं हुई। उसके वारंट है, उसके सपीक के वारंट है, नईम के वारंट है, इनके सब के वारंट है, 5-4 आदमी है, और हाई कोर्ट से भी चार शीट इनकी खारिज हो गई। जब आप पे सारे कागज डॉक्यूमेंट, ये मान नहीं, हमारे डॉक्यूमेंट को किसी को भी मानना नहीं चाह रहा है। अब हमारे कागज कैसे मानेंगे, मान ही नहीं रहे, जब बिल्कुल अंधे हो रहे हैं कागजों के मामले में। ये वक्फ नंबर 690 का मामला है, यहाँ जो ये अस्थाई कब्जे हैं इनको हटाने के लिए वक्फ का आदेश आया हुआ है, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मेरे साथ हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि वक्त नंबर 690 नहीं, वक्त नंबर 260 है, और इसके बारे में इनके पास पेपर्स हैं, हाई कोर्ट के आदेश और सिविल कोर्ट के आदेश बता रहे हैं ये लोग। हालांकि इससे पहले 3 बार इनको मौका दिया जा चुका है कि अपने पेपर्स यहाँ पेश करें और जो भी अगर कोई आदेश है तो दिखाए। अभी तक तो इन्होंने कोई ऐसा ठोस सबूत ये नहीं दिखाया है कि ये वक्त नंबर 260 है या इन पे कोई इनका मालिकाना अधिकार है। फिर भी न्याय हित में चूँकि गरीब लोग यहाँ काम कर रहे हैं, इन्हें एक अंतिम अवसर 7 अप्रैल तक का दिया गया है। अगर तब तक ये कोई अपना मालिकाना हक के बारे में कागज नहीं दिखा पाते हैं तो 8 अप्रैल से यहाँ अवैध कब्जे हटाए। बुलडोजर आपके द्वारा चलवाया गया था, रुकवा दिया गया, इसी वजह से रुकवाया गया है कि इन लोगों को एक मौका और अंतिम अवसर दे दिया जाए।